हेलो गाइस, मैं आज राम मंदिर की रंगोली बना रही हूँ। मैंने ये मंदिर की आउटलाइन पहले ड्रॉ करी हुई है, बट ये बनाते टाइम मैंने वीडियो भी बनाई थी आपके लिए, बट एक प्रॉब्लम की वजह से वो सेव नहीं कर पाई। मैं ये रंगोली एक मंदिर में जाके बना रही हूँ, मैं घर पे नहीं हूँ, इसीलिए कुछ प्रॉब्लम हुआ था मोबाइल में तो वो वीडियो डिलीट हो गई। मैंने आपके लिए बनाई थी, फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये आउटलाइन कैसे ड्रॉ करें मंदिर की, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। फ्री हैंडली आता है तो आप फ्री हैंडली भी यूज़ कर सकते हो रंगोली, और नहीं आती तो आप ग्राफ यूज़ कर सकते हो। अगर फिर भी आपको ग्राफ कैसे ट्राई करें, कैसे बनाए, ड्रॉ कैसे करें आपको नहीं पता, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी। अभी मैंने कलरिंग स्टार्ट की है ड्रॉ करने के बाद। पहले ऑरेंज कलर यूज़ किया है, उसमें ऑरेंज कलर में कोई कलरिंग मिक्स वगैरह नहीं करनी। जो आउटलाइन बना रही हूँ मैं, उसमें ब्राउन प्लस ऑरेंज कलर मिक्स करना है, फिर वो दोनों मिला के वो आउटलाइन बना सकते हो आप। डायरेक्टली ब्राउन कलर यूज़ नहीं करना है आपको। हमने आउटलाइन बनाते टाइम जो वाइट कलर यूज़ किया है उसके ऊपर ही ब्राउन कलरिंग करनी होगी, क्योंकि वो आउटलाइन हमने सिर्फ पहले ड्रॉ करके रखी हुई है, वो दिखनी नहीं चाहिए। उस पर कलरिंग प्रॉपर करो। अगर आपको हैंड से नहीं आती कलरिंग करना, तो आप कुछ टूल्स यूज़ कर सकते हो कलरिंग के लिए जो आपके पास हो। मुझे डायरेक्टली हाथों से ही करना आता है तो मैं हाथ से ही करती हूँ। आपको नहीं आता तो आप टूल्स यूज़ कर सकते हो। और फिर उसके बाद जो ब्राउन कलर की आउटलाइन बनाई हुई है उसके साइड में थोड़ा थोड़ा ब्राउन शेड डालना पड़ेगा, क्योंकि आप वो ब्राउन शेड नहीं डालोगे तो वो कलरिंग अच्छी नहीं लगेगी और रियलिस्टिक भी नहीं लगेगी। आप जब थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर आउटलाइन के साइड में डालोगे तो वो कलरिंग रियलिस्टिक लगेगी। मैंने एक मंदिर की कलरिंग कर दी है, अब सेकेंड वाली स्टार्ट की है। पहले ऑरेंज कलर ही यूज़ करना है सब मंदिर के लिए, आपको पूरा भर देना है ऑरेंज कलर। और फिर उसके बाद जो हमने ब्राउन शेड बनाई हुई है वही यूज़ करना है सब मंदिर के लिए। आप वो कलरिंग देख सकते हो कैसे कर रही हूँ मैं। ब्राउन शेड से मैं आउटलाइन बना रही हूँ। जो हम आउटलाइन बनाते हैं उसके साइड में भी थोड़ा थोड़ा ब्राउन शेड डालना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वजह से वो रियलिस्टिक लगती है, नहीं तो लाइनिंग दिखती है, फिर वो रियल नहीं लगती रंगोली। इसलिए आप जो ड्रॉ करोगे उसके साइड में थोड़ा थोड़ा ब्राउन शेड यूज़ ही करो। जैसे मैं डाल रही हूँ वैसे आप यूज़ करो। जैसे ये दो मंदिर की कलरिंग की है और फिर आउटलाइन बनाई है, वैसे ही सब मंदिर की मैं कलरिंग करूँगी। आप ये वीडियो एंड तक देखते जाओ, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी।
ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मंदिर की पूरी शेडिंग हो चुकी है। अब लास्ट में ब्लैक कलर ही यूज़ करना है, वो मंदिर के दरवाजे है उसमें ब्लैक ही कलर यूज़ करना है। आप देखते जाओ मैं कैसे कलरिंग कर रही हूँ, आपको भी समझ में आएगा कि फिर आप कैसे बना सकते हो। आप प्रॉपर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं कलरिंग कैसे कर रही हूँ। अब ये मंदिर तो कंप्लीट हो चुका है बट अब साइड में भी कलरिंग करनी होगी, तो मैं अब ये स्काई कलर यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हो, आपको हैंड से नहीं आता तो आप टूल्स भी यूज़ कर सकते हो कलरिंग के लिए, बट साइड में थोड़ा थोड़ा हैंड से ही डालो क्योंकि कलरिंग करते टाइम वो कलर मंदिर पे चला जाएगा तो फिर आपकी रंगोली ख़राब दिख सकती है, इसीलिए आप टूल्स यूज़ करो। बट पहले मंदिर के साइड से आउटलाइन ब्लू कलर से लो, फिर आप कुछ भी टूल्स यूज़ कर सकते हो। आप देखो मैं कलरिंग कैसे कर रही हूँ, मंदिर के साइड से भी आउटलाइन कैसे ले रही हूँ क्योंकि मंदिर के ऊपर वो कलर जाएगा तो फिर मंदिर ब्लू दिखने लगेगा, तो फिर हमें फिर से करना पड़ेगा। इसीलिए आप पहले से ही ध्यान रखो कि वो मंदिर पर ना चला जाए ब्लू कलर। अब मैं डार्क ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ, जैसे मैंने स्काई कलर यूज़ किया था वैसे ही डार्क ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ। स्काई कलर की जैसे कलरिंग की थी वैसे ही ब्लू कलर की आपको करनी होगी। मैं मंदिर के नीचे वाली साइड में पैरोट कलर ही यूज़ करूँगी जो ग्रास की तरह दिखेगा, वो नीचे वाली साइड में पूरा पैरोट कलर ही यूज़ करना है, वो पूरा भरना है। ये ग्रास वाली कंप्लीट होने के बाद कलरिंग हमें इसे एक आउटलाइन देनी होगी डार्क ग्रीन कलर की, वो देख सकते हो आप मैं दे रही हूँ। डार्क कलर ही यूज़ करना है आपको। ये देखो हमने वो कंप्लीट कर दिया। अब ये रंगोली की कलरिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। मैं हैंड से सरपरेशा बना रही हूँ, वो संस्कार भारती में आती है क्योंकि सरपरेशा बनेगी तो ही रंगोली अच्छी लगेगी, इसीलिए मैं सरपरेशा यूज़ ही करती हूँ। हर रंगोली में सरपरेशा यूज़ करती हूँ। ये वाइट रंगोली से पूरी डिज़ाइन करने के बाद ये रंगोली कंप्लीट हो चुकी है। आप बताना आपको ये रंगोली कैसे लगी और ये राम मंदिर आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट्स में सबकी पढ़ूंगी और रिप्लाई भी करूँगी। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं वो भी आप पूछ सकते हो। अगर आपको ये रंगोली अच्छी लगे और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, आपकी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। बाय गाइज, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ऐसे ब्यूटीफुल रंगोली आपके लिए बनाती रहूँगी।